हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डर्टी बूट। आज मैं एक और रिव्यू करने जा रहा हूँ, मतलब राइडिंग से टाइम मिला हुआ है क्योंकि अभी तवांग के राइड में थे और टाइम मिला हुआ है और इसे मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 5 मंथ से यूज कर रहा हूँ तो रिव्यू करने का टाइम आ गया। तो मैं क्या रिव्यू करना है, जो मेरा फ्यूल पैक है मतलब रोटापैक्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस द वन, इधर से आपको ब्रांड का दिखेगा, ये Rotapax और ये आपको 1.75 गैलन 6.6 लीटर। थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा माथा ख़राब करना पड़ा क्योंकि एडजस्ट करने मुझे बहुत, मैंने सारा कस्टमाइज ही किया, और मेरे बाइक में जैसे कि लॉन्ग राइडर का बैग है तो उसके लिए मैंने कस्टमाइज किया, तो इसके लिए भी मैंने कस्टमाइज़ किया। तो इसका मैं आपको आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया आप, सबसे पहले इसका 2 पार्ट में आता है, मैं थोड़ा सा स्लाइटली बता दूँ। दिस इज़ द अमेरिकन कंपनी इन मेड इन अमेरिका, नॉट इन चाइना और अदर प्लेसेस। जैसे कि अदर प्रोडक्ट है अमेरिकन, जैसे लॉन राइडर का बैग है, मैंने तो अमेरिका में ऑर्डर किया था लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपको शिप हुआ चाइना में, मेड इन चाइना है। तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और ये जो Rotapax का ये लॉक है, इट ऑल्सो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो आई विल टेल यू दैट द लास्ट हाउ मच इस कॉस्ट मी एंड। तो सबसे पहले मैं इसे एक निकाल लेता हूँ, एक निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसका इंडिविजुअल की आता है और उसी की से ये खुलेगा। एक की तो मैं लॉस कर चुका हूँ क्योंकि रास्ता में गिर गया था, एक सेटी मेरा गिर गया था। यह इस तरह से ये निकल जाता है, इस तरह से आपका ये निकल गया खोल के, है ना। इसके बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाइए, आप क्लॉकवाइज घुमाना होगा, शायद क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा तो ये टाइट होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज ये लूज होगा। शायद पानी जाने के कारण थोड़ा टाइट हो गया है कि क्या पता नहीं। ये सब खुल जाएगा और इधर से आप निकाल लेते। ये जो आपका ये माउंट है, ये तो ये मतलब 3 टाइप्स आते हैं, Rotapax डीलक्स, Rotapax ये, तो मैं Rotapax LX2 समथिंग है तो मैं वो लिया। उसमें एक सिंगल भी आता है जो सिर्फ सिंगल घूम के रह जाएगा, ये डबल है एंड डबल के साथ जो आपको मैंने ये दिखाया जो ये लॉक था, ये लॉक आता है। तो ये 3 टाइप में आता है, एक सिंगल आता है, एक डबल आता है, एक विदाउट लॉक आता है। तो ये विथ लॉक है, तो इसमें ऑलरेडी फ्यूल है। और मैं इसका जो रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे यूज कर चुका हूँ एंड इट्स वेरी नाइस, आई विल शो यू द डेमो आल्सो। ये जो है मैं इसका जो रिव्यू कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं आपका इसका थोड़ा सा डेमो भी दिखा देता हूँ। हाउ स्ट्रॉन्ग दिस वन, जैसे मैं अभी से नीचे गिरा के देखता हूँ, ये देखिए आपने देखा, ये इसके ऊपर चढ़ जाओ आप, कुछ भी नहीं होगा। दिस वन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इसमें ऑलरेडी फ्यूल है, 5 लीटर्स, मोर देन 5 लीटर फ्यूल है। तो ये इतना, ये मुझे हम लोग को क्यों चाहिए इस टाइप का, आई मीन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो हिमालयन है इट्स हीटिंग लॉट्स एंड वी नेवर नोज, आई मीन तो राइडर लोग जो है आपको गिरते रहते हैं, तो गिरना मतलब क्या है, आपको एक्सीडेंट नहीं होता, समटाइम आप पार्किंग कर रहे हो या अभी कहीं रुके हुए हो, मैं तो बहुत बार गिर चुका हूँ। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये गिरने से यदि फूटता है तो ये हीट होता है। और वी आर कैरिंग द वेरी आई मीन इन्फ्लेबल थिंग्स, इज पेट्रोल, इज फ्यूल, गैस बोल सकते हैं, अमेरिका में इसे गैस बोलता है, तो ये इमिडिएटली आपको आग पकड़ लेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसे गिरा के भी दिखाया, इसके ऊपर जम करके भी दिखाया, मैंने तो इसके ऊपर बाइक भी चढ़ा के देखा हूँ इससे पहले। तो दिस वन इज़ वेरी नाइस,
मैं इस प्रोडक्ट से रोटापैक्स, इट्स रियली गुड ब्रांड, इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग, ये आपको बाइक के लिए भी आता है एंड देन इज़ मल्टीपर्पज़, आप व्हीकल कार ये सब के लिए आता है एंड डिफरेंट साइज़ में आता है, 1.7 गैलन, 5 गैलन, अब पता नहीं कितना कितना आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी आता है। तो मैं इसे USA ऑर्डर किया था और दिस वन आल्सो आई रिसीव इन नेपाल एंड आई पेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ कस्टम, क्योंकि मैं लोन राइडर का बैग लेने के लिए नेपाल गया था तो उसी टाइम में इसे भी मैं ऑर्डर किया था, तो मैं दोनों साथ ही मैं उधर नेपाल में रिसीव किया और नेपाल में इंस्टॉल करके इधर मैं लेके आया। तो इट्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ आई पेड फॉर दिस वन, आई एम रियली रियली सेटिस्फाई एंड इट्स वेरी हेल्पफुल आल्सो, इट लुक वेरी बिग बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैनी राइडर आई मेड दे सेड कि आप इतना बार क्यों लगाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, मैं थोड़ा सा स्लाइटली मैं वो दिखा दूँगा क्या मॉडिफिकेशन किया है इसमें। तो आई एम 100% सेटिस्फाइड दिस प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी यूजफुल, स्पेशली इफ़ यू आर राइडिंग इन द माउंटेन रीजन, जैसे कि आप लद्दाख जा रहे हो, तवांग जा रहे हो, पता नहीं पेट्रोल कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि मैं दो तीन जगह यूज़ किया, इवन सिक्किम में भी यूज़ किया, सिक्किम में मैं जब लाचुन जा रहा था तो रास्ता में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो पेट्रोल तो इसमें था ही और ये हिमालयन जो है थोड़ा सा माइलेज तो बहुत ही कम देता है, तो मैं इसे निकाला और 5 दिन 10 लीटर था तो मेरा काम चल गया एंड देन रिटर्निंग में मुझे पेट्रोल फिल कर लिया। इवन द तावांग जा रहा था तो दिरांग में पेट्रोल स्टेशन था तो दिरांग में पेट्रोल नहीं था उस दिन और रात भी हो गई थी, तो फिर मैं इसे यूज़ किया, तो इट्स वेरी यूजफुल। आप यदि नॉर्मल सिटी राइड और नॉर्मल हाईवे में राइड कर रहे हैं इंडिया का तो आपको यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ पेट्रोल पम्प, आई मीन पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पम्प, वाट एवर यू कैन से, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन माउंटेन रीजन में आपको दंग दिक्कत होता है। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड दिस प्रोडक्ट, देयर इज़ नो एनी कॉन यू कैन से, प्रो इज हैवी ड्यूटी, नाइस प्रोडक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी कन्वीनियंट। इसका जो आपको एक लास्ट में ओपन करने का दिखाता हूँ, ये तो ये नॉर्मली ये ओपन है, तो आप इसको पुश कीजिएगा तभी ये ओपन होगा, तो नॉर्मली ओपन नहीं होगा। और ये अच्छा से ये कैप भी दिया हुआ है, तो अभी लगाने के पेट्रोल कैसे निकालेंगे नहीं दिखाऊंगा। इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, नॉर्मली आप इसको इस तरह से करके आप इसको पेट्रोल निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं हो निकलेगा क्योंकि इसमें लॉकिंग दिया हुआ है, इसको आपको टर्न करना पड़ेगा और ये पार्ट जो रेड कलर का पार्ट इस तरह करके आपको निकालना होगा, ये तभी आपका ये निकलेगा, और ये निकलने के बाद भी आपका पेट्रोल नहीं निकल सकता है। तो इट्स वेरी गुड मैकेनिज्म और इनसाइड आल्सो इज अ फिल्टर इज़ गिवन, सो ओवरऑल सभी तरह से ये बहुत अच्छा ढंग दिया हुआ है। सो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, नथिंग यू कैन से, कौन इसका क्या है, तो एक यही है कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग शिपिंग, लॉक, आई मीन ये लॉक तो जो है आपको अलग से मैंने खरीदा था, तो लॉक और शिपिंग एंड कस्टम ही करके, सो आई पेड इज अराउंड 35K, आई मीन 35,000, आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। एक पेट्रोल का मतलब नॉर्मली भाषा में हम लोग बोले तो पेट्रोल का डब्बा ही बोलते हैं, तो इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोल का डब्बा के लिए 35 पे करना, इट्स रियली क्वाइट एक्सपेंसिव। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द आई मीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज, सेफ्टी मीन्स यू नॉट गोना ब्रेक इवन द स्मॉल आई मीन क्रॉस और यू फेल डाउन और समथिंग एंड दैट द सेफ्टी वन एंड आई मीन इफ गो द सिक्योरिटी पर्पज, इफ देयर इज प्रॉपर लॉक, सो नो वन गोना टेक यू आउट दिस वन फ्रॉम योर बाइक and unless and until there are so many nut involved, they have to open it. If those can do that thing, they can carry your bike, they put in truck or something lorry or something, they take it out of your bike from. So it's safety as well as security, both the things are I'm really satisfied with this product. So we'll meet you on another video and maybe something riding, unboxing, और अभी तो riding ही चल रहा है, तो basically riding आएगा और time मिलने से मैं review भी करूँगा और यदि कुछ unboxing का बचा है तो मैं unboxing करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दें, टेक केयर, बाय बाय, सब खैर, खुदा हाफिज़। It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, 'cause it's
shape.